कोरोना कार्यकाल में भी कई ऐसे आरोपी हैं जो पूरी तरह से फरार है, लेकिन पुलिस के हाथ लंबे क्यों होते हैं यह चरितार्थ तब साबित हुआ जब गिट्टी कदान पुलिस ने ऐसे एक आरोपी को धर दबोचा। जी हाँ, गिट्टी कदान पुलिस ने एक बड़ी कामगिरी को अंजाम दिया। पुलिस ने पिछले 3 महीने में फरार आरोपी को पकड़ने में यश प्राप्त किया। इस संदर्भ में पुलिस उपनिरीक्षक दत्ता पेंडकर ने अधिक जानकारी साझा की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को 5 बजे के दरमियान पुलिस कर्मचारी प्रशांत देशमुख को गुप्त जानकारी मिली थी कि आरोपी जुनेद खान गड्डी गदाम चौक में आने वाला है, जिसके आधार पर पुलिस ने योजना बनाई और आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। आरोपी से पूछताछ करते दरमियान उसने अपने सभी गुनाहों की कबूली दी, जिसके बारे में अधिक जानकारी पुलिस उपनिरीक्षक दत्ता पेंडकर ने दी। पुलिस स्टेशन गिट्टी कदान में 37/2021 376 गुना दाखिल हुआ था 19/1/2021 को। तब से आरोपी 21 में जो जुनेद देखी जो रिकॉर्ड के ऊपर का जो हमारे पुलिस स्टेशन अंतर्गत रिकॉर्ड के ऊपर का आरोपी है, उसके ऊपर तकरीबन 12 से 13 गुने के दाखिल है। और उसमें जो आरोपी का नाम है जुनेद उर्फ जेडी जिशान वल्द गुलशेर खान, ये आरोपी जब से गुना हुआ था तब से वो एक ही फरारी था। जब ये हमारे डीबी स्टाफ इनको एक ही दिनांक कल 3 तारीख को मालूम में लिखी भाई ये गड्डी गोदाम में यहाँ पर आने वाला है, इस वजह से हमने वहाँ हमारा पूरा स्टाफ और वो वहाँ पर जाकर कि उससे वहाँ पर माहिती निकाले और वो वहाँ पर आने वाले की जो खबर मिली थी उस तय के दौरान हमने एक वहाँ प्लान ये करके उसको वहाँ से ताबी मिली। ये कामगिरी पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त नूरुल हसन, सहायक पुलिस आयुक्त नलवाड़ी, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गजानन कल्याणकार इनके मार्गदर्शन में की गई। इस संदर्भ में आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, PC News नागपुर।